जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी और आप देख रहे हैं बीएनबी की ताजा तरीन खबरें। गरीब लाचार बीमार सिंगर जनार्दन को अब जाकर जगी इलाज की उम्मीद। इधर बीएनबी साथियों के द्वारा लगातार मदद करने की जा रही है पहल। बीएनबी खबर का असर, बेंगाबाद प्रमुख राम प्रसाद यादव बीमार जनार्दन के घर पहुंचकर आर्थिक सहयोग देकर सुनिश्चित इलाज हेतु आश्वासन दिया। वहीं बीमार जनार्दन और उसके परिवार ने बीएनबी साथियों और बेंगाबाद प्रमुख राम प्रसाद यादव को हृदय दिल से आभार जताया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं बेंगाबाद प्रमुख राम प्रसाद यादव। तो फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार। तो आप देख सकते हैं यही वो जनार्दन है जिसके इलाज के लिए आप लोगों के पास बीएनबी ने गुहार लगाई है। जनार्दन जो सिंगर हैं और इनके परिवार ने जो गुहार लगाई है, यही वो जनार्दन है। अब इसे इलाज की उम्मीद जग गई है, क्योंकि आप लोगों का सने भरा सहयोग जो मिल रहा है, साथ ही साथ आज बेंगाबाद प्रमुख राम प्रसाद यादव भी पहुंचे हैं और उन्होंने आर्थिक मदद कर समुचित इलाज के लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया है। आइए इस जनार्दन से ही बात करते हैं कि जो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए। जी जनार्दन जी, मैं डिवीजन दयादे, सबसे पहले आप सभी बीएनबी समस्त परिवारों को नमस्कार और एवं कोटि कोटि प्रणाम। जो आप लोगों ने हमें इतना मदद कर रहे हैं, मैं पीड़िता बहुत बीमार था और हमें बीएनबी से जो साथ मिला है और आप सभी जो मदद कर रहे हैं, इससे हमें आशा और विश्वास और पूर्ण भरोसा भी हो गया कि हमारी बीमारी को पूर्ण तरफ से मेरा इलाज सही जगह पर पहुँच गए और हो रहा है और होगा। जनार्दन भाई, कुछ भजन भी ऐसा थोड़ा सुना दीजिए हल्के साउंड में, थोड़ा सा आपको हल्के आवाज़ में दर्शकों को, क्योंकि आपका सिंगर में काफ़ी प्रचलित है और अच्छा अच्छा भजन भी गाए हैं आपने, कई जगह प्रोग्राम भी दिए हैं, जगन्नाथ धाम के अलावा कई जगह प्रोग्राम भी कर चुके हैं। थोड़ा कोई ऐसा भजन सुना दीजिए दर्शकों को, क्योंकि आप दर्शकों ने और जो बीएनबी के साथियों ने आपका मदद कर रहे हैं आपके इलाज के लिए, और आप एक सिंगर हैं, तो कुछ भजन भी कुछ ऐसा थोड़ा सुना दीजिए कोई बढ़िया सा। जी, अब मुझे ऐसा एहसास हो गया कि अब कोई चिंता कोई फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि सारे लोग और जिसका भगवान है उसके साथ कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए कहा गया है कि दुख में मत घबराना पंछी, ये तो समय का फेरा है। दुख में मत घबराना पंछी, ये तो समय का फेरा है। भीड़ चाहे पड़े अंबर पर, उड़ना तुम्हें अकेला है। भीड़ चाहे लाखों अंबर पर, उड़ना तुम्हें अकेला है। लेकिन फिर भी सहयोग हमें मिल रहा है, हमें उम्मीद है और भरोसा भी है कि हमें मदद मिलेगा और मिलेगा, सही रूप से होगा। अब उम्मीद हो गया, किन हो गया। निश्चित रूप से जब ऐसे आप सबों का सहने भरा सहयोग रहेगा तो उम्मीद जगेगा ही, और आप इनके भजनों के माध्यम से समझ सकते हैं दिले दास्तान और इनकी क्या कहना चाहते हैं अपने हृदय से आप सबों को। दुख में मत घबराना पंछी, उड़ना तुझे अकेला है। बिल्कुल सही बात है, उड़ना सबको अकेला है, और इस अकेलेपन को आप सबों ने दूर जो कर दिया है, इसके लिए बीएनबी भी हार्दिक दिल से तहे दिल से आप सबों का आभार प्रकट करती है, ढेर सारा सने भरा प्यार करती है। तो बने रहें आप लोग बीएनबी के साथ और देखते रहें कब कहां और कैसे, दिखाती रहेगी बीएनबी, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।